तो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले सिमेंडो लाइव मतलब 6 नवंबर 2020 को होने वाले फ्राइडे नाइट सिमेंडो लाइव के बारे में। और कल के होने वाले सिमेंडो लाइव में हमें सर्वाइवर सीरीज 2020 में होने वाले सिमेंडो लाइव की टीम के कुछ क्वालिफाइंग मैचेस भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ हम द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बात करेंगे। और क्या कल के होने वाले सिमेंडो लाइव में मंडे नाइट्रो के सुपरस्टार आकर इन्वेट करेंगे या नहीं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं हूं आमिर बलोच और आप देख रहे हैं रेसलिंग 007। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते फ्राइडे नाइट सिमेंडो लाइव में सर्वाइवर सीरीज में की टीम में मेंस में सिर्फ केविन ओइंस और जे उसो ने क्वालिफाई कर दिया, और वुमेन्स में ब्रियंका बिलियर ने कल के वाले सिमेंडो लाइव में 3 और सुपरस्टार क्वालिफाई करेंगे, जिससे सिमेंडो की टीम पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि टीम रॉ को चौथा मेंबर मिल चुका है और वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के वाले सिमेंडो लाइव में जो 3 सुपरस्टार क्वालिफाई करेंगे वो है लास लेवान, बिगी और सेथ रॉलिंस। और दोस्तों, क्योंकि टीम रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन भी है, तो इसीलिए सिमेंडो लाइव में ब्रॉन स्ट्रोमैन की टक्कर को लास लेवान भी ला सकते हैं। और क्योंकि लास लेवान ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में बोला क्योंकि सामने जो भी आएगा वो उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इसलिए कल के वाले सिमेंडो लाइव में हमें लास लेवान और कलिस्टो का क्वालिफाइंग मैच भी देखने को मिलेगा। और इस मैच में लास लेवान कलिस्टो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद हमें दूसरा क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलेगा बिगी वर्सेस शेमस का। और इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि इस मैच में बिगी शिंस्के को हरा कर इस मैच में क्वालिफाई करेंगे। और तीसरा क्वालिफाइंग मैच हमें देखने को मिलेगा सिमेंडो लाइव के जेवियर सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच। और इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि इस मैच में सेथ रॉलिंस जरूर जीतेंगे, और उसके बाद सेथ रॉलिंस अपने आप को सिमेंडो लाइव की टीम के कैप्टन भी घोषित करेंगे। तो दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि कल के वाले सिमेंडो लाइव में क्या ये तीनों सुपरस्टार क्वालिफाई करेंगे या नहीं, या कोई और सुपरस्टार क्वालिफाई करेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और कल के वाले सिमेंडो लाइव में हमें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और जे उसो का भी सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां जे उसो ये बोलेंगे कि वो अब कैसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ माना और उन्होंने डेनियल ब्रायन पर हमला किया। और क्योंकि पिछले हफ्ते फ्राइडे नाइट सिमेंडो लाइव में आपने देखा होगा कि एलाय मिस्टीरियो ने बड़ी मर्फी को किस किया, इसीलिए कल के वाले सिमेंडो लाइव में हमें डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस बड़ी मर्फी का सिंगल्स मैच भी देखने को मिलेगा। और इस मैच में अलाया मिस्टीरियो आकर बड़ी मर्फी की मदद करेंगे। तो दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज में वुमेन्स सिमेंडो लाइव की टीम में सिर्फ ब्रियंका बिलियर ने क्वालिफाई कर दिया है, और कल के वाले सिमेंडो लाइव में 3 और सुपरस्टार क्वालिफाई करेंगे, वो भी सिमेंडो की वुमेन टीम में। और वो सुपरस्टार है कार्मेला और द रॉयट स्क्वाड के दोनों मेंबर्स। और कल के वाले सिमेंडो लाइव में हमें एक बार फिर स्ट्रीट प्रॉफिट और डॉब ज़िगलर का एक मैच देखने को मिलेगा, वो भी सिंगल्स मैच। और क्योंकि WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कल के वाले सिमेंडो लाइव में साशा बैंक उनका सिमेंडो वुमेन चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे बेली के अगेंस्ट। और क्योंकि अभी हाल ही में साशा बैंक्स ने बेली को हरा कर न्यू सिमेंडो वुमेन चैंपियनशिप जीता है, तो इसलिए WWE साशा बैंक्स को पुश देना शुरू कर दिया है। तो इसलिए इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि इस मैच में साशा बैंक जरूर जीतेंगे। और सर्वाइवर सीरीज 2020 में साशा बैंक्स फेस कर रहे आस्का को। और दोस्तों, वैसे आपको लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा, साशा बैंक्स या बेली, हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि रसलमेनिया 36 के बाद से ब्रॉक लेसनर गायब हो गए हैं, और रसलमेनिया के अगले महीने WWE ने कंफर्म कर दिया कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर हो गया, और वहां से लेकर अभी तक ब्रॉक लेसनर सोशल मीडिया भी नजर नहीं आ रहे थे। और कुछ हफ्ते पहले ब्रॉक लेसनर के एक फैन ने ब्रॉक लेसनर के साथ फोटो खींची, जो आप अभी अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और इस पिक में हमें ब्रॉक लेसनर का एक नया लुक देखने को मिला, और इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ब्रॉक लेसनर ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ UFC में दाढ़ी रखा था, और जब से ब्रॉक लेसनर का WWE में एंट्री हुआ वहां से लेकर अभी तक ब्रॉक लेसनर WWE में सिर्फ क्लीन शेव करके आए थे। और दोस्तों, अभी इससे ये पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर भी लंबे समय तक WWE से दूर रहेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं रॉ और स्मैकडाउन लाइव के इवेंट्स के बारे में। और दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि हर साल सर्वाइवर सीरीज 2020 से पहले हर ब्रांड दूसरे ब्रांड के सुपरस्टार पर हमला करते आ रहे हैं, तो इसलिए कल के वाले सिमेंडो लाइव में मंडे नाइट्रो के सुपरस्टार सिमेंडो लाइव के सुपरस्टार पर इन्वेट जरूर करेंगे। और दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि सर्वाइवर सीरीज 2020 में कौन सा ब्रांड ज्यादा पॉइंट लेगा, ब्लू सिमेंडो लाइव या रेड मंडे नाइट्रो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, ये सिमेंडो लाइव कल 7 नवंबर 2020 को होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।